सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तुम ये बम एक मस्जिद में नस्ब करोगे, जिसकी मैं तुम्हें निशानदेही करूंगा। महमूद पाशा का क्या होगा अब? मंसूबे के मुताबिक उसे मरना होगा। तुम्हें ये खानी ही होगी। खाओ। उस्मानी जल्द अज जल्द इस वबा से मुतासिर हो जाए, ताकि हम अपना मकसद हासिल कर लें। मैं आपको बंदरगाह ले जाऊंगी, आप फरार हो जाएंगे। हर चीज का बंदोबस्त हो चुका है। महमूद पाशा बंदरगाह से फरार होंगे। अहमद पाशा को खबर कीजिए, बंदरगाह पर एहतियात करें। आपके शोहर का नाम क्या है? अली नूरुद्दीन साहब। ज़किया सुल्तान। सुल्तान मासम महमूद पाशा फौत हो गए। जिस मस्जिद से पाशा हजरत का जनाजा निकलता है, वहीं तैयारियां की जाएं। ये एक रियासती तकरीब होगी। महमूद पाशा का जुर्म अभी साबित नहीं हुआ था। सुल्तान अब्दुल हमीद महमूद पाशा के जनाजे में शिरकत करेंगे। हमारा काम जनाजे में शरीक होना है, और आपका काम इस दौरान हमारी हिफाजत करना है। हिफाजत इंतजामात में इजाफा कर दीजिए। काबिले एहतराम सुल्ताना, आपके बताए हुए घर की तहकीक की है। वहाँ जीसन नामी एक बेवा खातून रहती हैं। उनका कोई नहीं है, और उस घर का किराया अली नूरुद्दीन साहब देते हैं। आपसे कुछ बात करनी है। कहिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम महमूद पाशा के जनाजे में शिरकत करेंगे। इंतजामात तो मुकम्मल हैं, लेकिन आप भी जासूसों को खबरदार कर दें कि होशियार रहें। ठीक है पाशा, सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत हम जान की परवाह किए बगैर करेंगे। मैं आपको किए गए उन इकदामात की फहरिस्त भेज दूंगा, आप भी मुझे मौसूल हुई मालूमात से बाखबर रखिएगा। जी ठीक है पाशा। तो सब कुछ तैयार है? हाँ तैयार है। जबरदस्त, हमने उस मस्जिद में हर तरफ बारूद नस्ब कर दिया है। सिर्फ अब्दुल हमीद ही नहीं मरेगा, बल्कि रियासत के तमाम आला ओहदेदार भी। फिर उनके वरासा और शहजादों का क्या होगा? उनका बंदोबस्त भी हो जाएगा। इस्माइल पाशा को खबर दो कि वो जनाजे में ना जाए। एक पाशा और सुल्तान मौसम के भाई होने की हैसियत से इस्माइल पाशा इस अजीम रियासत के सरबरा बनने के अहल होंगे। वो इस मामले को जानते हैं, यकीनन मोहतात रहेंगे। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए।
जीत गए जनाब हेकलर, जीत गए आप। पाशा, पाशा क्या हुआ है आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं पाशा, घूम रहा है मेरा। गम की वजह से ये कैफियत होगी। पाशा क्या हुआ है आपको? मुझे चक्कर चक्कर आ रहे हैं सुल्तान मौसम। ठीक है आप आराम कीजिए। तहसीन पाशा तबीबों को खबर कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। देर ना करें, इन्हें जल्दी ले जाएं। सिपाहियों आखिर तुम्हारी डायनामिक, बैठो यहां पे। रुको, रुक जाओ, यह करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यह फैसला तुम नहीं मैं करूंगा नामिक। अगर जो तुमने कहा वो मुझे पसंद ना आया तो गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। कसम खाता हूँ सब बता दूंगा। अब्दुल हमीद जिस मस्जिद में जा रहा है वहां बारूद नस्ब है, वहां किसी पाशा का जनाजा है। वो लोग धमाका करेंगे, भारी मिकदार में बारूद नस्ब है वहां। ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तुम इस पर नजर रखोगे और अगर मुझे ये यहाँ ना मिला तो तुम मरोगे। चाचा आप कहाँ हैं? चाचा हजरत, जब धमाके की आवाज आए तो मुझे खबर दे दीजिएगा। चाचा, चाचा बारूद। पुरसुकून हो जाओ आसिफ, बारूद के लिए परेशान मत हो, वो मामला हल हो गया है। नहीं चाचा नहीं, उन्होंने बारूद को मस्जिद में नस्ब किया है, वो मस्जिद को धमाके से उड़ा देंगे। चाचा क्या कह रहे हो आसिफ? उस मस्जिद में सुल्तान मौसम जा रहे हैं। या अल्लाह सुल्तान मौसम की हिफाजत फरमाना, वो खैर व आफियत के साथ वापस लौटाए या रब। इस कौम को उनकी शफकत से महरूम मत करना, हम उनकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आमीन। सुल्ताने मौसम, स्नेहा सुल्तान भी यहां आना चाहती है। जरूरत नहीं है, अगर वो रवाना होती है तो भी पहुंचने में देर लगेगी।
हमें शुबा है कि जनाजे में सभा तीन भी शिरकत करेगा। आपका क्या हुक्म है सुल्ताने मौसम? अतराफ में नजर रखिए, अगर वो नजर आए तो परेशान मत कीजिएगा। अपने बाबा के जनाजे में आना उसका हक है, हम ये हक उससे छीनना नहीं चाहते। ऐसा ही होगा सुल्ताने मौसम। क्या करें, कुछ गई है चाचा? आसिफ वहां सुल्ताने मौसम जा रहे हैं। फौरन सबको इस बारे में मुतला करो। उस इलाके में मौजूद थाने में टेलीग्राम भेजो। उनसे कहो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और फौरी वो जगह खाली करवाएं। जो आपका हुक्म चाचा। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप वक्त पर पहुंच जाएंगे। या रब, तो जिंदगी और मौत का मालिक है, हर खैर और शर तेरे कब्जाए कुदरत में है। तेरी रजा के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। या अल्लाह, तेरी ताकत हर शय पर गालिब है। सुल्ताने मौसम के रास्ते को बदल दे। हम किस लिए रुके हैं पाशा? नहीं मालूम सुल्तान मौसम, इजाजत दीजिए मैं देखता हूं। क्या ये काफ़ी है सुल्ताना? काफ़ी है जुल्फत, काफ़ी है। वैसे भी ज़्यादा अफराद नहीं आएंगे, सिर्फ पाशा हजरात की अजवाज आएंगी। अल्लाह महमूद पाशा को जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। काश के सनेहा सुल्तान हमारे साथ होती, हम मिलकर उनका दर्द बांटते। पता नहीं वो इतनी दूर इस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करेंगी। शुक्र है कि लुत्फुल्ला उनके साथ है। सबाहतीन कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं। अल्लाह सबको नेक औलाद दे। आमीन। पाशा, जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। हजरत, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अखबारात की तमाम खबरें झूठ पर मबनी हैं। हमारे सुल्ताने मौसम बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। सुना है कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई थी। जी, वो एक नाकाम कोशिश थी। जिस गोली की आवाज को सुना गया वो उस हमले को रोकने की खातिर चलाई गई थी। यिल्दिज़ महल मुकम्मल तौर पर महफूज है। सहाफत के पेशे को बदनाम करने वाली तमाम खबरें झूठ और बोहतान हैं। अगरचे हमने मुतअद्दिद बार इसकी तरदीद की, लेकिन वो फिर भी झूठ से बाज ना आए। ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उम्मीद है आप आवाम की गलतफहमी दूर करके उन तक सही खबरें पहुंचाएंगे। क्या हुआ?
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? धमाका नहीं हुआ अब तक? बदकिस्मती से। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं हुआ? अब्दुल हमीद ने नमाज़े जनाजा कब्रिस्तान में अदा करने का हुक्म दे दिया। तो फिर बारूद? हमने निकाल दिया, सब हमारे पास है। अब्दुल हमीद को आखिर शुबा हुआ कैसे, कैसे जनाजे की जगह तब्दील की? या तो उसे बारूद के बारे में मालूमात मौसूल हो गई होंगी, या फिर वो बहुत खुशकिस्मत है। हमें बताइए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, जब आपने मेरे घर फौजी भेजे तो मुझे फैसला करना पड़ा, या तो मैं आपके पास आऊं, जो कुछ जानता हूं वो आपको बताऊं, या भाग जाऊं और मामले की तह तक पहुंचूं। सुल्तान मुअज्जम, मैंने भागकर मामले की तहकीक का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो यमन के बारे में जो आपने मुझे मालूमात दी थी वो अफशा हो गई हैं। बिल्कुल पाशा, हमने इसी वजह से सिपाहियों को आपके घर भेजा। लेकिन बताइए क्या मामला है, कौन है इस खेल के पीछे? सुल्तान मुअज्जम, कुछ ऐसा पहले एक हादसा पेश आया, मेरी बग्घी से एक लड़की टकरा गई, मैं उसे अपने घर ले आया। बिल्कुल वही कहानी है। अगर आपको याद हो तो एक बार हमारे साथ भी यही मामला पेश आया था। याद है सुल्तान मुअज्जम, क्योंकि मैं उस मामले के बारे में जानता था इसलिए मैं पूरी तरह मोहतात था। लड़की ने कोई भी हरकत नहीं की, लेकिन जब आपने मेरे घर फौजी भेजे तो उसने अपना रूप दिखाया। उसने पेशकश की कि अपनी हिफाजत के लिए मैं उसके साथ फरार हो जाऊं। मैंने भी सुल्तान मुअज्जम मामले के तह तक पहुंचने के लिए लड़की की बात मान ली। तब सुल्तान मुअज्जम उन्होंने मेरे लिए फर्जी मौत का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये करना ज़रूरी है। तब मैंने ये खेल खेलने का फैसला किया। इस सब में कौन मुलव्वस था? यकीनन वो हैकलर। हैकलर सुल्तान मुअज्जम, लेकिन हैकलर इसमें तन्हा नहीं है। इसमें वो लड़की कारासो और सबाहतीन भी शामिल है। वो लड़की हैकलर उस सबाहतीन और कारासो के साथ काम करती है। सुल्तान मुअज्जम, मुझे उस जाली धमाके में एहसास हुआ कि वो मेरे जनाजे में आपको मारना चाहते हैं। खलील खालिद साहब को भी ये खबर मौसूल हुई थी कि मस्जिद में बारूद नस्ब किया गया है। तो मैंने सोचा सुल्तान मुअज्जम कि आपको आखिरी रसूमात में जाते हुए सारी तफसील बता सकता हूँ। अब आप उन लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे? जी सुल्तान मुअज्जम, मैं उनमें शामिल हो जाऊंगा और मैं उनके सारे खेल की इतला तफसीलन आपको पहुंचाता रहूंगा। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान मुअज्जम, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल में महल के अंदर अभी भी रियासत के दुश्मन और गद्दार मौजूद हैं जो साजिशें कर रहे हैं। मुझे रियासत मुखालिफ यहूदियों और रियासत को रुस्वा करने वाले गद्दारों को बेनकाब करने की इजाज़त दीजिए। अहमद पाशा, जहां से हमने महमूद पाशा को लिया है वहीं चलिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। कोहे सीना पर खुदावन ने हमसे बात की, तुम इस पहाड़ पर अरसे से बसे हुए हो, अब रुख तब्दील करो, जबल बिश्री की तरफ जाओ। इतना ही नहीं, फिर उसके आसपास के सभी पहाड़ों पर, मैदानों में, नशीबी इलाकों में और उसके जनूबी जानिब, जहां भी तुम्हारा दिल करे वहां बस जाओ। हमने ये जमीन तुम्हें दे दी है। ये जमीन हमारी है, हम अपनी सरजमीन लेने आए हैं। जब खुदा ने हमसे इस सरजमीन का वादा किया है तो हम या तो इस सरजमीन को हासिल करेंगे या फिर तबाह कर देंगे। हम यहां के लोगों से भी कभी भी मुआयदा करने का नहीं सोचेंगे, वरना हमारी रूहों को भी सुकून नसीब नहीं होगा। हम कभी मुआयदा नहीं करेंगे, मैं कसम खाता हूं, कभी नहीं। ये नामुमकिन है, कोई रहम नहीं होगा। लेकिन अब हम अब्दुल हमीद को बासानी कत्ल के जाल में नहीं फंसा सकेंगे। वो हमारे दोनों कत्ल के मंसूबों से बच गया, वो हिफाजती इकदामात करेगा। अभी ये मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम एक बड़े मंसूबे की तैयारी करो। मकड़ी की तरह आहिस्ता जाल बुनेंगे ताकि जब अब्दुल हमीद के सर में गोली लगे तो वो हैरान हो जाए कि मुझे अब तक इसकी खबर क्यों नहीं मिली थी।
आज तक यहां आने वाले हर शख्स को शिकस्त देता आया है, लेकिन इस बार वो हमें शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सकता। शिकस्त उसकी होगी। वो दिन बहुत करीब है जनाब हेकलर, फिक्र ना करें। क्या बारूद महफूज है? जी हाँ। जबरदस्त, तो फिर मैं चाहता हूं कि एक बड़े मंसूबे की तैयारी करो तुम। अब्दुल हमीद नहीं मरा, यानी उसने मौत से मुजाहमत की है, तो अब वो दूसरों की मौत देखेगा। और हाँ, महमूद पाशा को बाहिफाजत सिफारत खाने ले आओ। अब सुल्तान मौजम, मैंने आपके साथ गद्दारी नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि आपने गद्दारी की है पाशा, लेकिन जो कुछ भी है, खुफिया दस्तावेजात आपके जरिए चोरी हुए हैं। जी सुल्तान मौजम, मैं बेखबर था, इस बेखबरी में मुझे धोखा दे दिया गया। लेकिन सुल्तान मौजम, बराए करम मुझे इजाजत दें कि अब तक मैंने जो गलतियां की हैं उनकी तलाफी करूं। मुझे इस जंग में जाने दें। सुल्तान मौजम, अगर आप मुझे एतमाद बहाल करने का मौका देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे अपने बेटे सबाहतीन का राज अफशा करने दें। सुल्तान मौजम, में कसम खाता हूं कि मैं हर उस शख्स के खिलाफ हूं जो रियासत के खिलाफ है। अगर हम चाहें तो क्या सबाहतीन का राज फाश नहीं कर सकते पाशा? क्या उन्हें हमारे जासूस हमारे सामने नहीं ला सकते? यकीनन सुल्तान मौजम, यकीनन। हमने सबाहतीन को खुद जाने दिया पाशा। अगर कोई रियासत से गद्दारी करता है तो हम चाहते हैं कि वह हमारे दरमियान से निकल जाए। हम इसकी इजाजत देते हैं। हम हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं ताकि वो जाएं और अपनी आंखों से रियासत के दुश्मनों की हकीकत को देखें। और इसकी वजह यह है कि उनकी रगों में जो खून बह रहा है वो अहम है, और फिर वो मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसला करते हैं। मैं समझता हूं सुल्तान मौजम। हम आपको इस जंग की इजाजत दे रहे हैं। आप दुश्मन के अंदर होंगे, अहमद पाशा के साथ तबादला ख्याल कर लें, और ये कि आप कैसे हमें खबर देंगे, हमें आपसे अहम फवाइद की तवक्को है। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मौजम, आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह सलामत रखे। जो हुक्म आपका। क्या सब तैयारियां हो गई हैं जुल्फत? कोई कमी ना रह जाए। फिक्र मत कीजिए सुल्ताना, हमारी तैयारी मुकम्मल है। बहुत खूब, ठीक है। नाइमे बेटी, हमने आपसे हाफिजा फातिमा को आगाह करने के लिए कहा था, क्या आपने उन्हें बता दिया? नाइमे, आपसे हाफिजा फातिमा का पूछ रहे हैं हम, क्या उन्हें खबर दे दी आपने? हमारे जहन से ये बात बिल्कुल ही निकल गई वालिदा, हम अभी उन्हें खबर देते थे। नहीं, आप बैठिए। जुल्फत आप जाइए और हाफिजा फातिमा को बुला कर लाइए। जाइए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। हम बहुत शर्मिंदा हैं, इस बात को वाकई भूल गए थे, यकीन मानिए। कोई बात नहीं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी बात है जिसे आप इतना सोच रही हैं। हम जानते हैं ये वक्त नहीं है इन सारी बातों का, लेकिन हम आपको बताए बगैर नहीं रह सकते। आपको पता है कुछ दिन पहले बाजी एक घर गई थी। जी हाँ। और उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बिल्कुल। पता चला है उस घर में एक जीसन नामी महाजर खातून रहती हैं। उस घर का किराया बाजी के शौहर अली नूरुद्दीन साहब अदा करते हैं। आप ये सब कैसे जानती हैं बेटी? क्या आपने उनकी जासूसी की? नहीं, हमने एक मुहाफिज को भेजा था, क्योंकि हम जानते थे कि बाजी हमसे कुछ छुपा रही हैं। सोचे जरा, वो शादी जिस पर बाजी हमेशा फखर महसूस किया करती थी, दरअसल सब झूठ है। नाइमे बेटी, आपको इतना यकीन कैसे है? हो सकता है कि अली नूरुद्दीन साहब सिर्फ मदद के लिए उनका किराया अदा करते हों। शायद आपकी बहन भी वहाँ इसीलिए गई हो। नहीं वालिदा,
याद कीजिए जब वो घर से निकली थी कितनी अफसुर्दा थी। बाजी इन सब के बारे में जानती है और सबसे झूठ बोल रही है। हमने कभी आपको इस तरह बातें करते हुए नहीं सुना है नाइमे। आप इस मौजू पर किसी से बात नहीं करेंगी। अगर आपकी बहन की शादी में कोई मसला है भी तो भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें हरगिज मुदाखलत ना करें। मैं आपके लिए तुर्क कहवा लाई हूँ सुल्ताना। लाइए बेटी। बताइए खलील खालिद साहब, बारूद के बारे में मालूमात कहाँ से मिली? सुल्ताने मौसम, मैंने अहमद पाशा से इस मामले के बारे में बात की थी। हमें मालूम हुआ कि महमूद पाशा के कत्ल में बारूद इस्तेमाल किया गया है। हम समझे मामला हल हो गया, मगर आसिफ मेरे पास ये मालूमात लेकर आया कि बारूद मस्जिद में नस्ब किया गया है। फिर मैं फौरन मस्जिद चला गया, उसके बाद जो हुआ वो आपको मालूम है। तो क्या बारूद बरामद हुआ? बदकिस्मती से नहीं, मैंने जासूसों को तहकीक करने के लिए भेजा था लेकिन कुछ नहीं मिला। महमूद पाशा भी इस खबर के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद को बारूद से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह हमारे कत्ल का मंसूबा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बारूद को तलाश नहीं कर सके। जी सुल्ताने मौसम, हमें बारूद नहीं मिल सका, लेकिन हमें इस बात के शवाहिद जरूर मिले हैं कि बारूद वहां नस्ब था, यानी उसके खाली डब्बे और कुछ तार वगैरह भी। जब उन्हें मालूम हो गया कि उनका मंसूबा कारगर नहीं होगा तो उन्होंने बारूद को वहां से हटा लिया, लेकिन जल्दी में उन्होंने बारूद के सबूत अपने पीछे छोड़ दिए। यानी महमूद पाशा सच बोल रहे थे? महमूद पाशा ने जो मालूमात दी वो दुरुस्त है सुल्ताने मौसम। खलील खालिद साहब, उस बारूद को तलाश कीजिए। वो फिलहाल उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन कौम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेंगे। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। आप रुकिए अहमद पाशा। अहमद जलालुद्दीन पाशा, हम चाहते हैं कि कबा जाने वाले फौजियों की आप जाती तौर पर तरबियत करें। उन सबको आपकी तरह काबिल और बहादुर होना चाहिए। सहरा के हालात मुश्किल हैं, हर कोई उस आबो हवा के मुताबिक नहीं ढल सकता। फौजियों का इंतखाब करते वक्त इस बात को मद्देनजर रखिएगा। उन सबको जंग के गैर रस्मी हरबे सिखाइए। उनमें से किसी को मालूम नहीं होगा कि कहां जा रहे हैं। तरबियत मुकम्मल होने के बाद ही वो ये जान पाएंगे कि अकाबा जा रहे हैं। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। तहसीन पाशा, आप शिकारी दस्ते के फौजियों में से बेहतरीन फौजियों का इंतखाब कीजिए। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। अकाबा हमारा है, इंशाल्लाह हमारे पास ही रहेगा। इंशाल्लाह। बात सुनो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम ये नहीं कर सकते, अगर इस बोझ को हम नहीं उठा सकते, तो फिर हम यह काम छोड़ देते हैं। वो बारूद से भरे हुए संदूक शहर में ले आए और हमें मालूम तक नहीं हुआ। पुरसुकून हो जाएं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कहां कामयाब हुई? सुल्ताने मौसम ने अपनी जिंदगी हमारे हवाले की है, हमारे हवाले। बदमाश कातिल उन पर हमलावर हो रहे हैं और हम बैठ के उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कौन है ये नामिक? एक मामूली गुंडे से ज्यादा कोई हैसियत नहीं इसकी, जो महज बरतानियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या करें हम, जब जरूरत होती है तो हम जंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे। और बारूद तलाश करने की पूरी कोशिश की हमने। महमूद पाशा को कत्ल कर दिया उन लोगों ने। हमें लगता था वो उनके लिए बारूद लाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आराम से तथार, आराम से। राहदारी तक तुम्हारी आवाज आ रही है। माजरा चाहता हूं जनाब। महमूद पाशा जिंदा है। शुक्र है, शुक्र है। ये राज हमारे दरमियान रहेगा। यानी वो नहीं मरे चाचा? मैंने कहा ना, वो जिंदा है। अब आप दोबारा मस्जिद जाएंगे और उस जगह का जायजा लेंगे। हम ये कर चुके हैं, जो आपको बताया उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। किसी ने कुछ देखा? नहीं चाचा। बरतानवी खुफिया तंजीम बगैर किसी वजह के बारूद यहाँ नहीं लाई, वो यकीनन उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाचा, हम उसे कैसे तलाश करेंगे? कोई सुराग, कोई मालूमात नहीं है। नामिक कहाँ है आसिफ? उसे जुए खाने में ही छोड़ दिया था। चलो वहीं चले,
शायद रस्सी का सिरा मिल जाए। इस बार हमें उसकी जुबान खुलवानी ही होगी। तो महमूद पाशा, मरने का एहसास कैसा होता है? देखिए जनाब हेकलर, ये एक शानदार एहसास है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप पर कोई शक नहीं हो सकता। बिल्कुल एक भूत की तरह, सुना तुमने? भू भू भू। महमूद पाशा, मैं चाहता हूं संजीदगी इख्तियार करें आप। मैं भी आपको यही कहने वाला था जनाब हेक्लर। अगर हम एक नया महाज खोल रहे हैं तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब्दुल हमीद के खिलाफ जंग कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? अब्दुल हमीद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं महमूद पाशा, मुझे यकीन है हमें इनसे फायदा होगा। फैदा साहिबा, फैदा साहिबा, इतने अच्छे अल्फाज के लिए मैं आपका मशहूर हूँ, लेकिन यकीनी तौर पर मेरे लिए सबसे अहम मेरी हिफाजत है, ताकि मैं बेहतर तौर पर काम कर सकूं आपके साथ। दुरुस्त, रास्ता भी नहीं और कोई। आप सिफारत खाने में रह सकते हैं, लेकिन ये एक जिंदान होगा। क्या इसके लिए रजामंद हैं आप? मुझे इससे कोई मसला नहीं, बस जरूरी यह है कि आप मुझे मजेदार खाना दें। मैं अच्छे खानों का शौकीन हूं। हाँ चले, तो फिर बताएं मुझे मंसूबा क्या है। फिलहाल उस फैसले के मुंतजिर हैं जो रूस और ऑस्ट्रेलिया के शहंशाहों की मुलाकात में होगा। म्यूरिस्टेक? बिल्कुल, यानी अब्दुल हमीद भी इसके बारे में जानता है। जनाब हेक्लर, अब्दुल हमीद हर चीज से बाखबर होता है। महमूद पाशा, साथ काम करके बहुत मजा आएगा। हमारी प्यारी शोहर, हमें आपका मकतूब मौसूल हुआ। आपने हमारी सेहत के बारे में पूछा, हम बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। क्या आप शक्कर का इस्तेमाल कम करती हैं? मेरे शोहर को कम शक्कर पसंद है और मुझे भी इसकी आदत पड़ गई है। हमारे शोहर को भी बहुत कम शक्कर पसंद है। वैसे आपके शोहर का नाम क्या है? अली नूरुद्दीन साहब। अली नूरुद्दीन, हम चाहते हैं कि आप ये जान लें कि अब हम मजीद इस सूरत-ए-हाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जाती तौर पर उस खातून से मिलने गए थे। बाजी, आप ठीक हैं? ऐसा लग रहा है जैसे रोई हैं। नहीं तो, हम अली नूरुद्दीन को खत लिख रहे थे, थोड़ा जज्बाती हो गए। यकीनन याद कर रही होंगी, जिनसे इस कदर मोहब्बत हो उनसे दूर रहना मुश्किल होता है। हम बस अपनी बेटी को याद करते हैं। क्या आप हमसे कुछ कहने के लिए आई थी? फिक्र हो रही थी, सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। जब घर से निकली थी तब आपकी हालत ठीक नहीं थी। हम ठीक है नाइमे, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर आप मुनासिब समझे तो हम भी उस घर के लोगों की मदद करना चाहते हैं, शायद हम उनके काम आ सके। बिल्कुल नहीं, हम कर सकते हैं ये काम। मुझे निकालो यहाँ से। क्या तुम सुन रहे हो? मैंने कहा निकालो मुझे यहाँ से। कोई फायदा नहीं होगा, हमारी यहाँ कोई अहमियत नहीं, हम उनके लिए बिल्कुल उन चूहों की तरह हैं। जानते हो मैं अली नूरुद्दीन साहब की जौजा हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। मैं अभी इसे पुरसुकून कर देता हूँ। क्या कोई मुझे सुन रहा है? मुझे फौरन यहाँ से निकालो। ये अली नूरुद्दीन कौन है? उसका शौहर है मादाम, किसी मुसीबत में न फंस जाए हम लोग। निकालो यहाँ से। कैसे हो सकता है ये? मैंने मार्को को तंबीह की थी कि सिर्फ बेघर और महाजरीन को तलाश करना। हो सकता है ये औरत झूठ बोल रही हो।
और अली नूरुद्दीन नाम का कोई शख्स ही ना हो। उम्मीद है, वरना हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। पाशा, पाशा क्या हुआ है आपको? मेरा सर घूम रहा है। पाशा क्या हुआ है आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप आराम कीजिए, आप सब चलिए, देर हो रही है। इस्माइल पाशा की तबीयत कैसी है? मेरे महल पहुंचने पर तबीबों ने इत्तला दी कि वो बिल्कुल ठीक है सुल्ताने मौसम। वो ठीक है। मुमकिन जाए वकुआ पर जा रहे थे हम सब, तमाम पाशा मौजूद थे, लेकिन इस्माइल पाशा बीमार पड़ गए। हम भी इसी बारे में सोच रहे हैं पाशा, आप खाने की दावत में जाएं और देखें कि कोई एक खाना नहीं खा रहा। क्योंकि वो जानता है कि खाने में जहर है। क्या इस्माइल पाशा को इस बारे में पहले से मालूम था? फिलहाल हमें सिर्फ उन पर शक है। तहसीन पाशा, अहमद पाशा ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम किसी को इसलिए इल्जाम नहीं दे सकते कि वो बीमार हो गया। अहमद पाशा। जी सुल्तान मौसम। हमारे माहिर जासूसों को इस्माइल पाशा का ताकुब करने के लिए कहिए, वो हमें इत्तला देंगे कि वो कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। जो आपका हुक्म। क्या कोई खबर है? अभी तक नहीं जनाब। ठीक है। ये इतना अहम क्यों है? दो शहंशाहों के दरमियान मुलाकात है। आलमी तारीख में दो शहंशाहों ने कितनी बार मुलाकात की है? हाँ, वो उस्मानियों को खत्म करने के लिए मिल रहे हैं। ऑस्ट्रिया के बाशिंदे अब भी वियना के खौफ को भुला नहीं सके, और दूसरी तरफ रूसियों को खौफ है कि उस्मानी बहरीन में दाखिल होंगे और क्रीमिया पे एक बार फिर से कब्जा कर लेंगे। लेकिन हम उसमें इस पर कहां बैठते हैं? मैंने दोनों रियासतों से बात की है, उनसे वादा किया है। कैसा वादा? अब्दुल हमीद का वक्त जाया करूंगा मैं, इजलास के दौरान उसका ध्यान कहीं और मबजूल रखूंगा, ये वादा किया है। और इसके बदले में? बदले में उनसे मैंने फैसला करने को कहा है जो दोनों शहंशाह मिलकर करेंगे। इस बार अब्दुल हमीद को एक कहानी सुनाऊंगा मैं जो उसके ख्वाबों को डरावने ख्वाबों में बदल देगी। जीजन का ताकुब करें आप, वो किससे मिलती हैं और क्या करती हैं? कौन आता है कौन जाता है, हम मालूम करना चाहते हैं सब कुछ। जो आपका हुक्म सुल्ताना। तुम्हें यकीन है कि वो जीजन बेघर है और उसका कोई नहीं है? मार्को, वो औरत मुहाजिर है, पिछले सिर्फ दो बरसों से वो पायतख्त में है, यहां उसका कोई नहीं है। लेकिन वो कहती है कि उसकी शादी अली नूरुद्दीन नामी किसी शख्स से हुई है। क्या आपने अली नूरुद्दीन कहा? ये कौन है? महल में मेरी जासूसा, मैंने बुलाया है। फिलहाल गुलजमाल को किसी मामले में शामिल नहीं करना चाहती। गुफ्तगू सुनी मैंने आपकी मदाम, आप अली नूरुद्दीन साहब कह रही थी, उनका जिक्र आज मैंने महल में भी सुना था। वाकई? बताओ कौन है अली नूरुद्दीन? जकी सुल्तान का शौहर, लेकिन मालूम हुआ है कि यहाँ पाया तख्त में उनकी एक और सौजा भी है, उसका नाम जीसन है। यानी वो औरत सच कह रही है। ओ मेरे खुदा,
मादाम अब हम क्या करेंगे? वो हमें तलाश कर लेंगे और उसके बाद फांसी दे देंगे। माफ कीजिएगा मादाम, मैं इस बारे में नहीं जानता था। उसने ये बात हर किसी से छुपाई हुई थी। ये जीसन मुर्दा हो या जिंदा, दोनों सूरतों में हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगी। बस जाएंगे हम। मुझे जाने दो यहां से, मैं बर्तानवियों के साथ काम करता हूं, तुम्हें अमीर कर दूंगा मैं। खामोश, तुम्हें जाने दिया तो वो मुझे मार देंगे। हमें अच्छी तरह जानते हो तुम, अगर हमें नामिक न मिलता तो हम तुम्हें मार देते। आपने क्या किया चाचा? क्या वक्त पर पहुंच गए थे? सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ सब ठीक है, मगर हमें बारूद नहीं मिल सका नामिक। कसम से जो जानता था बता चुका हूँ मैं। बकवास बंद करो, बारूद कहाँ है बताओ नामिक। मुझे नहीं मालूम चाचा। तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन तुम मालूम कर सकते हो। जी बिल्कुल चाचा, मुझे जाने दे, मैं तलाश करूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, जाओ मालूम करके वापस आओ। क्यों ना हम एहतियाती तदबीर इख्तियार करें चाचा। हाँ बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल। नामिक है ये, अपना किया हुआ वादा भूल जाता है। चलो बैठो यहाँ, मुंह खोलो अपना। खोलो? क्यों? मैंने कहा मुंह खोलो। निकल जाओ इसे वरना मर जाओगे तुम। क्या पिलाया है मुझे? जहर पिलाया है नामिक। अगर तुम हमें नहीं बताते कि बारूद कहाँ है तो 24 घंटे के अंदर तेरी आँख हासिल किए बगैर मर जाओगे। चलो वक्त कम है तुम्हारे पास, गोली की रफ्तार से जाओ और वापस आओ। जाओ। चाचा ये क्या था? उस्मान बताएगा ये तो। मैंने पानी में कुछ मसाला जात मिलाए थे आसिफ, ये कुछ भी नहीं है, फिक्र मत करो। बहरहाल वो समझ गया होगा कि हम किस कदर संजीदा हैं। इंशाल्लाह उस्मान इससे काम बन जाएगा हमारा। हमें अपनी हुकूमत और ऑस्ट्रिया की हुकूमत की तरफ से अहकाम मौसूल हुए हैं, मुलाकात हो चुकी है, हम यहाँ मालूमात फराहम करने आए हैं। कानून है तो है, इसलिए आपको एक हफ्ता कैद में गुजारना है। क्या पागलपन है। इसका जिगर कमजोर है, बहुत जल्द जेरे असर आ जाएगी और आज या कल मर जाएगी। इसके बजाय कि आप अली नूरुद्दीन साहब पर इल्जाम आयद करें। जीसन पे इल्जाम लगा दिया है आपने और उसे डराने का फैसला कर लिया। वो उस औरत के बारे में तहकीकात करना चाहते हैं। मतलब कि महल में तूफान आ चुका है। ये तूफान मेरे भेजे गए समंदरी तूफान के आगे कुछ नहीं है।